इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा प्रबंध समिति। राजस्थान प्रांत की मरु वृंदावन नगरी सीकर से 18 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में अपनी भव्यता एवं ऐतिहासिकता को संजोए हुए विद्यमान है श्री दिगंबर जैन भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा। वीर निर्वाण संवत 1674 में निर्मित हुए इस प्राचीन अतिशय क्षेत्र के भव्य मंदिरों में मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान एवं तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ भगवान, पद्मासन मुद्रा वाली अतिशयकारी प्रतिमाओं के साथ ही भगवान शांतिनाथ एवं सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं मनोहारी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। अनगिनत खम्बों वाले मंदिर के नाम से विख्यात इस तीर्थ स्थल पर रात्रि में देवताओं का आगमन होता है, जिनके नूपुरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। चित्त को विस्मय कर देने वाली ऐसी ही कई किंवदंतियां और चमत्कार इस तीर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। इसी कारण से यहां आसपास ही नहीं अपितु दूर दराज के क्षेत्रों से प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं और प्रभु का दर्शन वंदन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तीर्थ पर दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए आधुनिक सुविधा युक्त कमरे एवं हॉल बने हुए हैं। इसके साथ ही तीर्थ पर भोजनशाला भी संचालित है। सीकर के अतिरिक्त गोरिया यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड है, जहाँ से क्षेत्र के लिए हर समय बस की व्यवस्था उपलब्ध रहती है। आप भी अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ एक बार यहाँ अवश्य आएं और इस प्राचीन तीर्थ में विराजमान जिनेन्द्र भगवंतों के दर्शनों के साथ ही अतिशयकारी 1008 श्री सुमतिनाथ भगवान के प्रतिदिन होने वाले अभिषेक शांति धारा में सहभागिता कर अपने पुण्यों में वृद्धि करें। शांति धारा की नौछावर राशि दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें समीपवर्ती दर्शनीय स्थल। रेवासा हमें तो सदा खंडहर ही मिले हैं, हमें तो राजस्थान में सदा खंडहर ही मिले हैं, लेकिन आचार्य श्री के माध्यम से मैंने हर खंडहर को इंदुप्रस्थ बनाने का प्रयास किया। खांडप्रस्थ मिला था पांडवों को और खांडप्रस्थ से क्या बन गया वो, और इंदुप्रस्थ ऐसा बना हस्तिनापुर आज कुछ भी नहीं है, हस्तिनापुर आज कुछ भी नहीं है, एक जिला भी नहीं है, और खांडप्रस्थ से जो इंद्रप्रस्थ बना आज वो देश की राजधानी है जिसे दिल्ली कहते हैं। शास्त्र को देख रहा था, उसमें एक छेपा लगा हुआ था, छेपा में लिखा था, एक पंपलेट था कि यहाँ पर रेवासा के चांदी की रस की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मैंने कि रेवासा में चांदी का रथ, वहाँ तो पीतल के ही रथ नहीं है, कुछ है ही नहीं। बस उस पंपलेट ने मेरी रुचि जगाई और मैं भगवान को खोजने नहीं गया था रेवासा, वो चांदी का रथ खोजने गया था। और चांदी का रथ खोजते खोजते चांदी का रथ भी मिला, साथ में महा अतिशयकारी सुमतनाथ भगवान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवि नमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्रजनेजिनाभिषेकामिति स्वाहा। ओ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवि नमूर्ति भगवते श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों मं पापं कन्ने कन्ने जयं जयं दद पच पाचे पाचे ॐ नमो अरं झं झीं हं सं जय वस छां छीं छुं छे छं छा छीं रां ह्रीं ब्रों ह्रीं रं रां ह्रीं त्रां द्रीं द्रवै द्रवे नमूर्ति भगवते श्रीमते। ठटस्माकं परं पूज्याचार्य भुवन्त समय सागर जी महाराज शीघ्र श्वास
स्वास्थ्य परम पूजनीय व्यापक शमन सुधा सागर जी महा संघ शीघ्र स्वास्थ्य लाभ चतुर्वी संघ नाम शीघ्र स्वास्थ्य लाभ शांति धारा कर्ता परिवार पुण्य अर्जन परिवार वार्षिक शांति धारा कर्ता परिवार श्रीमती प्रेम देवी मातेश्वरी जी मनोज जी सीमा जी सीवी जी कनिष्का जी कृतिक जी बच परिवार शेखर श्रीमती देवी महावीर प्रसाद जी मनोज जी गुलमा देवी महेश जी अलका देवी मनीष जी ज्योति देवी शुभम जी निधि देवी सिद्धार्थ जी कोमल देवी जिनीशा जी जितिका जी समस्त थोलिया परिवार शेखर बेंगलोर स्वर्गीय श्रीमान ननक राम जी तीजा देवी जी इंद्रचंद जी मानक चंद जी अनुभव जी अभिनव जी सेठी परिवार शिखर से शिशुवन जीवन लाल जी पुत्र पुत्रवधु सुशील जी रानी देवी सुनील जी पिंकी देवी पौत्र पुत्रवधु अक्षय जी अर्चिता देवी सक्षम जी स्मिता देवी जैन समस्त बढ़ जाते परिवार शिखर से श्रीमती सुगंधी देवी जी प्रमोद कुमार जी श्रीमती श्वेता जी हर्षित अंशिका जी बहिरिया परिवार नारायणपुर छत्तीसगढ़ सागर मध्य प्रदेश मासिक शांति परिवार श्रीमन मोहन लाल जी समाधि मरण भावना हेतु श्रीमन श्रीमती अलका जी धर्मपत्नी रमेश चंद जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र एवं पुत्रवधु राहुल जी सुरभि जी निखिल जी निष्ठा जी पुत्री दामाद अंकित जी पौत्री बागमी हितांशी करुणी सिरोंज मध्य प्रदेश श्रीमती प्रभा देवी जी मनीष जी सपना जी गोदा परिवार गोदा स्टेट इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमन महावीर जी गंगवाल सपरिवार मुंबई से श्रीमान विजय जी सपरिवार बज सपरिवार मुंबई से श्रीमान पवन कुमार जी मुन्नी देवी जी गंगवाल परिवार मुंबई प्रतिदिन शांतिनगर तभी वर्षा श्रीमान विमल कुमार जी राहुल कुमार जी विद्युत कुमार जी नरेश कुमार जी विकास कुमार जी मुकुल कुमार जी समस्त छाबड़ा परिवार कोलकाता वाले रेवासा से श्रीमान विजय कुमार जी अजय कुमार जी छाबड़ा सा परिवार रेवासा वाले लाल गोला पश्चिम बंगाल उपस्थित समस्त भव्य जन देखने वाले सुनने वाले अनुमोदना करने वाले सकल दिगम जैन समाज भारतवर्षीय सकल दिगम जैन भव्य तीर्थवासा की नवीन संपूर्ण योजना सनन संपूर्णार्थम श्रीरस्तु वृद्धिस्तु तुष्यस्तु पुष्यस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा यसुगम तिश्लोकेशो व्याधि वर्जन वर्जितम अभ्यम चेमम आरोग्यम स्वस्यस्तु विधीयते श्रीशांतिरस्तु तास्तु शिवमस्तु तास्तु जयोस्तु तास्तु मितमार्गमस्तु तास्तु तुष्यस्तु तास्तु पुष्टिरस्तु तास्तु समृद्धिरस्तु तास्तु कल्याणमस्तु सास्तु सुखमस्तु तास्तु अभिवृद्धिस्तु दीर्घायुस्तु कुलगोचरस्तु सास्तु साधारण शिवलायु आरोग्यशोधि सास्तु ओं भ्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य आत् विधे नमतां रं सव शान्तिं कुरु गुरु स्वाहा ओं भ्रीं शिम क्लीम मर्मस्य संविधानम तम रम सविशांति गुरु स्वाहा ओम भीम शिम क्लीम मर्मस्य संविधानम तम रम सविशांति गुरु स्वाहा आयु वल्ली विलास सगत दुगत अल्पम धीरम वीरम शिवम कृतिम सिद्धिम रद्धिम समद प्रजपम कांतिम शांति समाधि विग्रह जगतम उत्तमा शांति धारा शांति धारा शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतेन सामान्य तपोधनानां देशश्चिराश्च पुरस्य करोतु शांतिं भगवान् चिनिन्द्रं करोतु शांतिं भगवान् चिनिन्द्रं करोतु शांतिं भगवान् चिनिन्द्रं ओम ह्रीं अष्टप्रत्यय मध्ये छत्रत्रयम् स्थापयामि ओम ह्रीं अष्टप्रत्यय मध्ये चब्रद्वयम् स्थापयामि ओम ह्रीं श्री अभिषेकान्ते शांति धारा उप्रांते च विश्वादि महावेन्त्रम चतुर्विंशति गर्भे नमः अर्घं निर्पाम्ति स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं भूगर्भ प्राप्त अतिशिकारी रेवासा वाले बाबा सद्बुद्धि प्रदायक संकट मोचक साक्षात विराजमान श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्पाम्ति स्वाहा स्वामी जय सुमतिनाथ देवा करूं तुम्हारी आरत स्वामी मेटो अग मेरा ओम जय सुमतिनाथ देवा ये मेरी पैतृक जगह भी है मेरे मेरे गांव बोल सकते हैं कि मेरे गांव है ये और ये आज मैं अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया दिखाने के लिए कि ये एक चमत्कारी मंदिर और ये गांव कैसी है और इसमें हम लोग कैसे इस चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम लोगों का वो भाग्य है कि आज हम लोगों का सुमतिनाथ भगवान के दर्शन हुए आदिनाथ भगवान के दर्शन हुए मंदिर जी के दर्शन हुए आज हम लोग बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग सभी जो देख रहे हैं जिनवाले चैनल से ये प्रोग्राम आप लोग जरूर सबको दर्शन करने के लिए आए बहुत अतिशयकारी मूर्ति है ये और आप लोग सबको आना चाहिए। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा प्रबंध समिति।